सो कई बार ऐसा होता है कि आपके पास काफ़ी महंगे पेंसिल्स है लाइक पॉलीक्रोमोस, प्रिज्मा कलर या फिर स्टेडलर, इन सब की जो प्राइस है वो वैरी होती है अराउंड 100 to 300 पर पेंसिल। तो ऐसे वक्त में एक अच्छा शार्पनर चूज़ करना आपके लिए काफ़ी डिफिकल्ट जॉब बन जाता है, और इसी को अवॉइड करने के लिए मैं आपके लिए लाया हूँ 3 ऐसे मैकेनिकल शार्पनर जो न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट्स है ब्रूस्टरो की तरफ से। तो आज हम जानेंगे कि आपके लिए सबसे बेस्ट कौन सा प्रोडक्ट रहेगा और कौन सा सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगा। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज ये रहे वो तीनों शार्पनर्स। तो सबसे पहले हम करेंगे इस मैनुअल शार्पनर की अनबॉक्सिंग। इनको हम साइड में रख देते हैं, बाद में इनको वन बाय वन देखेंगे। तो गाइज कुछ ऐसा पैकेज आपको देखने को मिल जाता है। सामने में लिखा है 8 पेंसिल शार्पनर और ये मैनुअल शार्पनर है, ये कोई भी इलेक्ट्रिक शार्पनर नहीं है। तो चलिए फटाफट से अभी इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। सो गाइस सबसे पहले हमें बॉक्स में देखने को मिल जाता है ये मैकेनिकल शार्पनर। इसके साथ ही हमें छोटी सी एक मैनुअल देखने को मिल जाती है जिसका यूज़ करके आप सीख सकते हो कि कैसे इस शार्पनर को यूज़ करना है, तो ये एक अच्छी बात है। एंड इसमें एक पिन मिलती है जिसका यूज़ करके इन केस अगर आपके पेंसिल की लीड टूट जाती है और फंस जाती है हेलिकल गियर में, तो आप इजीली इस पिन का यूज़ करके उसको निकाल सकते हो। तो बस यही थे बॉक्स कंटेंट, इसको साइड में रखते हैं और देखते हैं अभी शार्पनर को। तो गाइस कुछ ऐसा मिनिमल इसका लुक है, काफ़ी प्लेन डिज़ाइन है और काफ़ी अच्छे से इसको डिज़ाइन किया गया है मेरे हिसाब से। अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ये शार्पनर कम्प्लीटली प्लास्टिक से बना हुआ है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक है। इसका जो हैंडल है ये भी प्लास्टिक से ही बना हुआ है। एंड सामने में ऊपर में आपको यहाँ पर ब्रूस्टरो की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। जो हमारा पेंसिल का डस्ट है वो हमें इस कंपार्टमेंट में देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस तरह से आप इसको पुल आउट करके ओपन कर सकते हो। एंड अगर आप इस कंपार्टमेंट को अच्छे से देखोगे तो यहाँ पर एक ग्राइंडर मिल जाता है। एंड ये जो ग्राइंडर दिया है ये बेसिकली एक सैंड पेपर है जिसका यूज़ करके आप अपने पेंसिल की टिप है उसको अच्छे से शार्प कर सकते हो। तो ये एक अच्छी चीज़ इन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड की है। तो गाइज अभी हम बात करेंगे इसके प्रो एंड कॉन्स की। तो सबसे बड़ा प्रो इसका यही है कि ये एक मैनुअल शार्पनर है और इसका यूज़ करके आप अपने हिसाब से प्रेशर अप्लाई करके जितने भी पेंसिल्स है उनको अच्छे से शार्प कर सकते हो। एंड द सेकेंड प्रो इज़ इसमें कोई भी लीड ब्रेकेज देखने को नहीं मिलेगा। एंड जैसा कि ये कंपनी क्लेम कर रही है कि इसमें आपको जो पेंसिल की टिप है वो थोड़ी ज़्यादा लॉन्ग मिलेगी। तो गाइज ये है मेरे पास कैमलिन की 9B पेंसिल एंड इसको आपको सिर्फ सिंपली इसमें ऐसा पुट करना है जस्ट लाइक दैट। थोड़ा सा हल्का सा पुश करके इसको आपको रोटेट करना है, बस शार्प होने के बाद आपको इसको पुल आउट कर लेना है कुछ इस तरह से। एंड आप देख सकते हो काफ़ी लॉन्ग टिप आपको मिल जाएगी एंड काफ़ी अच्छे से इसने शार्प किया है। और 9B पेंसिल होने के बावजूद इसने इस पेंसिल के लीड को ब्रेक नहीं किया, तो ये हमारा सबसे बड़ा प्रो हो जाता है इस मैनुअल शार्पनर के बारे में। तो ये काफ़ी सही लगा मुझे। अब मेरे पास दूसरा एक और मैनुअल मैकेनिकल शार्पनर है जो आता है ब्रांड क्रोम की तरफ से। अगर आप इसमें देखोगे तो यहाँ पे जो ये है ऐसे बाहर निकलना पड़ता है एंड यहाँ पे आपको पेंसिल को डालना पड़ता है। सो ऐसा कुछ मैकेनिज्म इसमें नहीं दिया है जो कि काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि जब आप इसमें पेंसिल पुट करते हो, जब आप इसमें पेंसिल इंसर्ट करते हो तो यहाँ पर ना आपके पेंसिल के फ्रंट पार्ट पे यहाँ पे डेंट आ जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस गियर्स। तो इसके वजह से आपकी जो पेंसिल का फ्रंट पार्ट है वो थोड़ा ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी ब्रूस्टरो के बारे में, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा मैकेनिज्म नहीं दिया है, सिंपली आपको पेंसिल को पुट करना है एंड शार्प करके उसको निकाल लेना है एंड जो भी आपका डस्ट रहेगा वो इस कंटेनर में कलेक्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपका जो पेंसिल डस्ट है वो इसमें आ जाता है। एंड यहाँ पर जो ग्राइंडर दिया है यहाँ पर आप इसके पॉइंट को और भी ज़्यादा शार्प कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी है मुझे, जो कि इस नॉर्मल मैकेनिकल शार्पनर में मुझे देखने को नहीं मिला। तो ये हो गई इस शार्पनर के प्रोज की बात, अभी देखते हैं कि इसके कॉन्स क्या है। तो सबसे बड़ा कॉन मुझे इस शार्पनर का ये लगा कि इसमें कोई भी आपको टेबल माउंट प्रोवाइड नहीं किया जाता। जैसे कि मैंने अभी आपको ये नॉर्मल मैकेनिकल शार्पनर दिखाया, इसमें आपको एक टेबल माउंट मिल जाता है कुछ इस तरह से। आपको यहाँ पे इंसर्ट करके यहाँ से आप टेबल पे इसको माउंट कर सकते हो। ऐसा कोई भी मैकेनिज्म आपको ब्रूस्टरो में देखने को नहीं मिलता, और वो भी बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करें तो ये जो मैकेनिकल शार्पनर है इसमें आपको मेटल की बिल्ड मिलती है और वही यहाँ पे जो है ये कंप्लीट प्लास्टिक में आपको देखने को मिल जाता है। इसमें आपको एक हेलिकल गियर मिलता है जिसकी हेल्प से आप जो पेंसिल है उसको एक लॉन्ग एंड फाइन पॉइंट में शार्प कर सकते हो। लेकिन इन केस अगर आपकी पेंसिल टूट जाती है और अंदर ही फंस जाती है तो उसके लिए आपको सिंपली इसको ऐसा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है एंड यहाँ से आप इसको इजीली निकाल पाओगे कुछ इस तरह से। एंड यहाँ पे देख सकते हो कुछ ऐसा मैकेनिज्म आपको इसके इनसाइड में मिल जाता है एंड यहाँ से आप जो भी लीड अंदर फंसी रहेगी उसको आप निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ दैट पिन।
जो हमें इसके साथ प्रोवाइड की थी, तो कुछ इस तरह से ये निकल जाता है। एंड इसको आप सिंपली इसको पुट करके क्लॉकवाइज इसको रोटेट कीजिए, तो कुछ इस तरह से ये इसमें अटैच हो जाएगा। एंड गाइस तीसरा इसका जो कॉन है वो है इसकी प्राइस, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है, क्योंकि ये अराउंड 1000 रुपीज़ का आपको देखने को मिलता है। वही अगर मैं इसको इस नॉर्मल मैकेनिकल शार्पनर से कंपेयर करूँ, इसकी जो प्राइस है वो है अराउंड 450-500, तो ये काफ़ी अफोर्डेबल है इसके कंपेरिजन में। तो अगर आपको लेना है तो डेफिनेटली आप इस प्रोडक्ट को ले सकते हो, या फिर आप ये ब्रूस्ट्रो का भी प्रोडक्ट ले सकते हो। अगर आपको पेंसिल को ज़्यादा डैमेज नहीं करना है फ्रंट पार्ट से, तो आप डेफिनेटली इस ब्रूस्ट्रो के शार्पनर को कंसीडर कर सकते हो। ऑलराइट गाइस, तो अभी हमारे पास है ये ब्रूस्ट्रो का इलेक्ट्रिक शार्पनर। अब ये जो शार्पनर है ये डुअल होल शार्पनर है, जो हमने प्रीवियस मैनुअल शार्पनर देखा था उसमें एक सिंगल होल था, और उसमें जो स्टैंडर्ड पेंसिल्स आती है, जो स्टेडलर की, ब्रूस्ट्रो की, या फिर जो भी नॉर्मल पेंसिल्स आती है, वो सारे उसमें फिट होती है, लेकिन इसमें आपको दो होल्स देखने को मिल जाते हैं। एंड ये कम्प्लीटली इलेक्ट्रिक एंड ऑटोमेटिक शार्पनर है। तो चलिए अभी फटाफट से इसको भी अनबॉक्स करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है ये शार्पनर, इसको रखते हैं साइड में। साथ ही में बॉक्स में आपको दो एक्स्ट्रा रिफिल्स मिल जाती है, दो एक्स्ट्रा ब्लेड्स मिल जाती है इसके। और सबसे लास्ट में हमें देखने को मिलती है छोटी से मैनुअल, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो एक बार इस मैनुअल को पढ़ लेना, काफ़ी इजी वे में यहाँ पर इलस्ट्रेशन दिए गए हैं कि आप कैसे इसको यूज़ कर सकते हो। तो इन सारे कंटेंट को रखते हैं साइड में और देखते हैं अपने शार्पनर को। तो कुछ इस प्रकार के ट्रायंगुलर शेप में आपको ये शार्पनर देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ से अगर आप नोटिस करोगे, ऊपर में आपको दो होल्स देखने को मिलेंगे, एंड यहाँ पर एक स्विच भी है। तो इसको अगर आप पुश करोगे तो कुछ इस प्रकार से ये जो बड़ा वाला होल है वो ओपन हो जाएगा, एंड यहाँ पर आप पेंसिल को इंसर्ट करके इसको शार्प कर सकते हो। इसके नीचे में आपको बैटरी कंपार्टमेंट देखने को मिलता है, तो इसको सिर्फ आपको ऐसा पुल करना है, एंड कुछ इस प्रकार से ये बैटरी कंपार्टमेंट यहाँ से ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको 4 AA बैटरीज को इंसर्ट करना पड़ेगा, जो कि बॉक्स में इंक्लूडेड नहीं है, वो आपको अलग से परचेस करना पड़ेगा। तो कुछ इस तरह से आपको इन बैटरीज को यहाँ पे इंसर्ट करके इसको क्लोज कर देना है, जस्ट लाइक दैट, एंड दिस इज रेडी टू यूज। तो यहाँ पर आपको दो होल्स मिल जाते हैं, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया। तो ये जो है ये हमारा 6-8 mm की जो पेंसिल्स आती है, जो नॉर्मल स्टैंडर्ड बेसिक पेंसिल्स आती है, उसके लिए है। एंड ये जो हमारे बड़े साइज के पेंसिल्स है, फॉर एग्जाम्पल क्रेटा कलर या फिर कॉन्टे पेरिस के जितने भी पेंसिल्स है, वो सारे मोटे पेंसिल्स हैं, तो उनको शार्प करने के लिए आपको इस होल को यूज़ करना है। और पेंसिल डस्ट को निकालने के लिए आपको जस्ट यहाँ पर प्रेस करना है, एंड इसको कुछ इस प्रकार से पुल आउट कर लेना है। तो यहाँ से जितना भी डस्ट है वो आप फेंक सकते हो बाहर। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे, दो ब्लेड्स यहाँ पे दिए गए हैं, ये स्टैंडर्ड शार्पनर का, और ये जो है बड़े साइज के शार्पनर का ब्लेड है। तो गाइज अभी आपको शार्प करके दिखा देता हूँ, तो इसको मैं ब्रेक कर लेता हूँ लीड को। बस आपको ऊपर में इसको पेंसिल को इंसर्ट करना है, एंड देख सकते हो कुछ इस प्रकार से ये विद इन अ फ्यू सेकेंड्स ये काफ़ी अच्छे से इसने इसको शार्प कर लिया है। देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको पॉइंट मिल जाएगा, और काफ़ी अच्छा पॉइंट मिल जाता है। बहुत ज़्यादा टाइम सेवर है मेरे हिसाब से ये वाला शार्पनर। एक चीज़ मुझे इसमें प्रॉब्लम ये लगी कि जब भी आप इंसर्ट करते हो तो यहाँ पे सामने में आपको डेंट देखने को मिलता है पेंसिल का, बिकॉज यहाँ पे जो लॉकिंग मैकेनिज्म है उसके वजह से यहाँ पर आई गेस डेंट आ जाता है। तो बस यही एक डाउनसाइड लगी मुझे इस शार्पनर की। तो गाइस इसका यूज़ करके मैं अभी एक कलर पेंसिल को यहाँ पर शार्प करके दिखा देता हूँ आपको। तो बस आपको पेंसिल को यहाँ पे पुश करना है हल्का सा। गाइस देख सकते हो विद इन अ फ्यू सेकेंड्स आपकी जो पेंसिल है वो काफ़ी अच्छे से शार्प हो जाते हैं। काफ़ी सही लगा मुझे ये मैकेनिज्म, काफ़ी सही इलेक्ट्रिक शार्पनर है ये। तो गाइज अभी हम बात करेंगे प्रोज एंड कॉन्स की। तो पहला प्रो इसका ये है कि ये एक्स्ट्रा ब्लेड्स के साथ में आ जाते हैं, तो इसमें दो अलग ब्लेड्स देखने को मिल जाते हैं, एक छोटा और एक बड़ा, तो दोनों ब्लेड्स आपको बॉक्स में मिल जाएंगे। दूसरी एक चीज़ मुझे अच्छी लगी इस पेंसिल शार्पनर के बारे में कि इसमें आपको कोई भी लीड ब्रेकेज देखने को नहीं मिलता। तो जैसे कि अभी आपने देखा कि मैंने आपको लाइव यहाँ पर शार्प करके दिखाया, एंड काफ़ी अच्छा पॉइंट हमें देखने को मिला। बट हाँ गाइज, हो सकता है कि आप अगर सॉफ्टर शेड्स को शार्प कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल 6B एंड उसके ऊपर के जितने भी ग्रेड्स है, 8B, 10B, तो हो सकता है वहाँ पे आपको लीड ब्रेकेज देखने को मिल जाए। द थर्ड प्रो इज़ इसको आप इजीली रिमूव एंड इंस्टॉल कर सकते हो। एंड सबसे बढ़िया एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे ये लगी कि इसमें काफ़ी फाइन पॉइंट आपको देखने को मिल जाता है। बट प्रो है तो वहाँ पे कॉन्स भी रहेंगे गाइज। तो इसका एक मेजर कॉन मुझे ये लगा कि ये फुली ऑटोमेटिक होने के कारण आपका पेंसिल पे कंट्रोल नहीं रहता, एंड ये अपने आप शार्प कर लेता है, जो कि मेरे हिसाब से कभी कभी आपको प्रॉब्लम दे सकता है। एंड हमारा सेकंड कॉन इस पेंसिल का ये है कि आपका जो पेंसिल है उसका जो सामने वाला पार्ट है
यहाँ पर आपको कुछ पेंसिल पे डेंट देखने को मिलते हैं, तो वो प्रॉब्लम मुझे इस शार्पनर में देखने को मिली। ऑलराइट गाइज, सो नाउ वी हैव सेमी ऑटोमेटिक पेंसिल शार्पनर। तो कुछ इस प्रकार से हमें ये बॉक्स देखने को मिलता है, सामने में जितनी भी डिटेल्स है वो यहाँ पे मेंशन है। चलो अभी इसको फटाफट से अनबॉक्स करके देख लेते हैं। सो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है ये शार्पनर, जो कि आता है सिमिलर ट्रायंगुलर शेप में। इसके साथ आपको एक एक्स्ट्रा ब्लेड भी देखने को मिल जाती है। उसके बाद में हमें देखने को मिल जाता है एक मैनुअल। सो गाइज, ये वाला शार्पनर मुझे सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल लगा है, क्योंकि इसमें आपको दोनों ऑपरेशंस मिल जाते हैं। आप इसको एज अ मैनुअल शार्पनर भी यूज कर सकते हो, या फिर आप इसको एज अ बैटरी ऑपरेटेड शार्पनर भी यूज कर सकते हो। तो इसके अगर डिजाइन की बात करें तो कुछ ट्रायंगुलर शेप में आपको देखने को मिलता है। टॉप साइड में आपको लॉकिंग और अनलॉकिंग का मैकेनिज्म देखने को मिलता है। आपको कुछ इस तरह से इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है, तो कुछ इस तरह से रिमूव हो जाएगा। एंड इसको लगाने के लिए पुश करके क्लॉकवाइज इसको रोटेट करना है कुछ इस तरह से, तो ये लग जाएगा। एंड अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो यहाँ पे आपको एक छोटी सी स्विच देखने को मिलती है, जिसको आप लेफ्ट साइड में अगर डालोगे तो ये बैटरी ऑपरेटेड हो जाएगा। एंड अगर आप इसको राइट साइड में रोटेट करोगे तो ये मैन्युअली आप इसको एज अ नॉर्मल शार्पनर यूज कर सकते हो। तो ये चीज मुझे काफी सही लगी। इसके नीचे साइड में आपको बैटरी का कंपार्टमेंट देखने को मिलता है, जिसमें आपको दो डबल ए बैटरीज को यूज करना है। ऑलराइट गाइज, तो मैंने अभी इसमें बैटरी डाल दी है और अभी आपको इसको यूज करके दिखा देता हूँ मैं। सो पहले तो हम इसको एज अ नॉर्मल शार्पनर यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्विच को मैनुअल मोड में कर लिया है, एंड यहाँ पे आपको सिंपली इसमें पेंसिल को पुट करके कुछ इस तरह से रोटेट करना है। तो गाइज आप देख सकते हो, काफी अच्छे से इसने इसको शार्प कर लिया और काफी फाइन पॉइंट हमें देखने को मिल जाता है यहाँ पर। अभी मैं इसको मैनुअल मोड से हटा के बैटरी मोड में डाल देता हूँ, एंड यहाँ से सिंपल आपको पुश करना है। एंड आप देख सकते हो गाइस, बहुत ही शानदार आपको जो टिप है वो देखने को मिल जाते हैं, बहुत अच्छे से ये शार्प कर लेता है। तो ये मुझे सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल लगा है शार्पनर। एंड गाइस, ये सारे जितने भी शार्पनर्स हैं इनमें आप चारकोल पेंसिल्स को भी शार्प कर सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये है मेरे पास ब्रूस्ट्रो की व्हाइट चारकोल पेंसिल। तो गाइस, कुछ इस तरह से हमें फाइन पॉइंट देखने को मिल जाता है इन शार्पनर से, जो कि काफी सही बात है, और लीड ब्रेकेज भी बहुत ही कम है। तो गाइस अभी बात कर लेते हैं इस शार्पनर के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। तो सबसे बड़ा प्रो इस शार्पनर का ये लगा कि ये आप दोनों वे में इसको यूज कर सकते हो। इसको आप एज अ मैनुअल एंड एज एन इलेक्ट्रिक शार्पनर भी यूज कर सकते हो। दूसरी एक बात मुझे अच्छी लगी कि इसके साथ आपको एक एक्स्ट्रा ब्लेड और मिल जाती है, इन केस अगर आपके शार्पनर की ब्लेड खराब हो जाती है कुछ दिनों के बाद, तो डेफिनेटली आप उसको यूज करके इसमें इंस्टॉल कर सकते हो। थर्ड प्रो इस शार्पनर का मुझे ये लगा कि इसमें कोई भी आपको लीड ब्रेकेज देखने को नहीं मिलता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपके दिमाग में आ रही होगी कि क्या आपको पेंसिल पे डेंट देखने को मिलेगा, तो नहीं गाइज, इस शार्पनर में आपको कोई भी सामने की तरफ पेंसिल पे डेंट देखने को नहीं मिलेगा। एंड ये जो शार्पनर है, ये इन तीनों शार्पनर्स में से काफी ज्यादा अफोर्डेबल शार्पनर है, तो ये काफी एक प्रैक्टिकल चीज है मेरे हिसाब से। अगर आप ज्यादा बड़े साइज के पेंसिल्स को शार्प नहीं करते हो, तो आई विल सजेस्ट कि आपने इस शार्पनर को जरूर अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहिए। इसके कॉन्स की बात करें तो मुझे कोई भी इसमें कोई इशू नहीं लगा, तो काफी परफेक्ट यहाँ पर आपको ये शार्पनर देखने को मिल जाता है। तो गाइज, अगर आपको इन शार्पनर में से कोई भी शार्पनर को परचेस करना है, तो डायरेक्ट परचेस लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। एंड अगर आप मेरा कोड SEED10 यूज करोगे तो आपको 10% ऑफ भी मिलेगा। होपफुली आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद है तो एक लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपको मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्केचिंग।